नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। जैश और लश्कर को आतंकवादी संगठन घोषित करने में, ब्रिक्स देशों को मनाने में असफल रहा भारत। ब्रिक्स देशों ने कहा, घोषणा पत्र में भारत की उन चिंताओं का जिक्र नहीं है जो प्रारंभिक सत्र के दौरान उठाई गई थी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी ने पाक को बताया था आतंकवाद का मदरसा। चीन ने शुरू किया मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान, दो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्षयान को किया प्रक्षेपित। 2022 तक चीन का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है लक्ष्य। तुर्की के गाजियांटेप प्रांत में आत्मघाती हमला, हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत, करीब 10 घायल। आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान एक आत्मघाती ने घटना को दिया था अंजाम। ब्राजील के एक जेल में प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच हिंसक झड़प, घटना में 25 कैदियों की मौत, कैदियों के करीब 100 रिश्तेदारों को पुलिस ने लिया हिरासत में। और पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में दो यात्री बस में टक्कर, हादसे में करीब 16 की मौत, 30 जख्मी। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।